बैठे हाँ पहला सरकार नूं होर गल करनी सी मैं मेरे दिमाग च आ गई है जेड़ा गुरदेव सी जिहदा सोधा लगा सी उह सोधा लाउण दे विच दो सिख नौजवान सी इक हिंदू नौजवान सी अशोक कुमार शायद उस हिंदू नौजवान दा नां आ जिन्ने सोधा लाया सी बेदबी करन वाले नूं
सो उस सौदा लाने वाले की घरवाली दी सरकार ने नौकरी दिती है। जिहड़ा गुरदेव है जिन्हें बेदबी की रेकी कराई है उसकी दुकान सी सामने वह जो मारिया जाता है तो सौदा लगता है। महिंद्रपाल बिट्टू जी का बाद जेल सौदा लगता है। महिंद्रपाल बिट्टू लाश रखता सड़क के विचकार ते मौके की हुकूमत उसके घर की नौकरी दिंदी है पुलिस दे विच। हुण तुसीं इह सोच लो उस तो बाद दोवां सिटां ने यह गल कहती है पुलिस की इनवैसटीगेशन मन चुकी है भी गुरदेव सिंह दोषी सी इन्हें रेकी की है ते महाराज का सरूप चुकाउण दे विच इहदा दोष हैगा सी। सो इहदा अर्थ यह है भी जिहड़ा गुरु की बेअदबी करेगा ते उन्हों प्रोटेक्शन मिलूगी जे सिख सौदा ला देणगे उहदे परिवार नूं नौकरी मिलूगी। हुण तुसीं आप अंदाजा ला लो बेअदबी करा कौन रहा है ते जे मौके की हुकूमत चाहुंदी है भी यह सिखां दे हक च कुछ करना है ते आ डेढ़ महीने दे विच विच उहदी घर दी नौकरी तों बरखास्त कीता जावे। किहड़ी कारगिल दी जंग लड़दा सी उह गुरु की बेअदबी करने वाला एक डेरा प्रेमी उहदी घर दी नूं पुलिस ने भर्ती किया है। हुण उह पुलिस च भर्ती होकर कीप तां किन्नियां बेअदबी करवाऊगी गाड़ी जिहड़ी जनानी कोल पहलां कोई पावर नहीं सी जिहड़े परिवार को उदों बेअदबी कराती हुण जिन्हां तुसीं प्रशासन शामिल कर लिया ते उत्थे की करूगी। सो गुलामी होर किसे ने आण के मत्थे ते नहीं लग जाणी तुहाडे ते भी कोई आण के तुहानूं कहे भी भाई तुसीं गुलाम जो तुहानूं सवेरे शाम स्पीकरां च पाठी सिंह दस्सिया करन भी तुसीं गुलाम जो फिर तुहानूं पता लगना है इह गुलामी दीआं निशानियां ने। सो इस करके जिहड़ा मैं अगे सारिआं नूं सुणा दिंदा उह वी मैं इत्थे दे के जाणा भी देखो इक ते हैगा हुकूमत दी गुलामी जिहदे खिलाफ लड़ना एक हुकूमत की 150 साल की गुलामी कोई 70 साल कहता कोई 45 कहता कोई 40 कहता मैं 150 कहना 1849 गुलाम हुए हैं उतों बाद सत्ता अंग्रेजों तो निकली है हिंदुओं के हाथ च आई है ते उस तो बाद असीं गुलाम ही रहे हैं साडा ते घाण होया 47 दे विच। सो इस करके 150 साल की गुलामी दे नाल साडी मानसिकता गुलाम हो गई है। साडी मानसिकता इस कदर गुलाम है भी साडे मुंह ते कोई आण के चपेड़ मारदा है ते सानू अगे दूजा सिख सलाह दिंदा भी इक गल दूजी भी गां कर दे एक वारी होर खा के वेख दूजी वार चपेड़ वजदी है फिर साडा तीजा बंदा सलाह दिंदा भी तुसीं गलत की कीता इह सोचो बैठ के इहदा की अर्थ है भी हुकूमत जिहड़ी साडा बार बार कतलेआम करे ते सिखां च कसूर कढ़ी जावे भी तुसीं अनपढ़ कहाउंदे जो बार बार इहनां दे मंत्री पुछदे भी अमृतपाल किहड़े राह ते जाणा चाहुंदा बार बार इन्हें बंदे बयान देंदे आ भी इहदे उहनां लिंक आ फलाने नाल लिंक आ। मैं हुकूमत नूं अज फिर कह देना स्टेज तों भी असीं उसे राह ते जाणा चाहुंदे जिहड़े राह ते तुसीं सानूं तोड़ना चाहुंदे जो इह तुसीं संभलो हुकूमत संभल के चले हुकूमत सानूं दस्से भी सिखां नूं किहड़े राह ते तोड़ना सानूं शौक नहीं गा मरन दा मराउण दा किसे नूं पर जे असीं महाराज दी बाणी पढ़दे हां नित ते नेते वचन पढ़दे हां जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किछ काए सानूं हराम दी जिंदगी पसंद नहीं इत्थों चंगा वी असीं मर जाईए लड़के जे हराम दी जिंदगी जीणी आ उह कम्म साडे कोल नहीं होणा। ना मैं झूठ बोल सकदा मैनूं बाहर बीबी सी इक मीडिया वाली उह कहिंदी वी शांति दी अपील करो मैं कहा वी सिखां ने ठेका लिया शांति दी अपील करन दा शांति दी शांति की अपील वह करो जिन्हें साढ़े कतलेआम किया असी कुट भी खाइए तो शांति की अपील भी ना करी जाइए कितने लिखे साडिया धियां भैणों की बेपती हो सू कह भी शांति की अपील तुम करो साडे गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हो कहण भी शांति की अपील तुम करो साडा अकाल तख्त पै जाए तो कह शांति की अपील तुम करो दिल्ली च नसलकुशी हुई तो शांति की अपील इन्हें मनमोहन सिंह को कराती हैरानी की गल वेखो गुलामी की इंतहा वेखो जिहड़े कि तुहाडे बंदे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं प्रधानमंत्री की दशा यह है दिल्ली च सिखां का कतलेआम हुंदा ते जदों सिखां का कतलेआम हुंदा तो उहदी माफी मंगण की वारी आउंदी सिख को माफी मंगाउंदे गांधी परिवार मनमोहन सिंह नूं अगे करके ते माफी मंगवा दिंदा। सो यह गुलामी की निशानी है कई कहिंदे तुहाडा राष्ट्रपति सी राष्ट्रपति का अहुदा सब तो वड्डा हिंदुस्तान दे विच 1984 जदों इंदिरा गांधी का कतल हुंदा है राष्ट्रपति की कार ते अमला हो जांदा सिखां दी इह अकात आ भी तुसीं राष्ट्रपति भी बन जाओ ते तुहानूं चार जणे इकट्ठे हो के जुत्तियां मारन नूं तैयार ने तुहाडे कतलेआम वास्ते हर कोई तैयार बर तैयार है। सो एक मैं मैनू बहुत बोल रहे भी तुसीं भी हिंदुओं के खिलाफ बोलते जो तुसीं ईसाइयों के खिलाफ बोलते जो देखो मैं हर उस बंदे के खिलाफ बोलदा जिहड़ा दिल्ली का संद बनिया जिहड़ा दिल्ली का दलाल बन के साडे खिलाफ करूगा उह सिखां च वी बथेरे आ बथेरे मेरे खिलाफ जिहड़े बोलण वाले उह सिखां दे घर जिवें पड़े आ मंत्री बन गए उह बथेरे सिखां दे जिहड़े जिन्हां ने घाण कीता सिखां दा मंत्रियां नूं ते पुत पुत्र मेरे खिलाफ बोलते आ उहनां दा मैं कोई मित्र आ
जेड़ा हिंदू नौजवान जिन्हें बेदबी का सौदा लाया हिंदू नौजवानों को अपील है आप बार बार कहने भी गुरु हिंदुओं का भी है गुरु सिखा का भी है आप नारा दें पंजाब वसदा गुरां के नाते जिम्मेवारी होर किन्हां दी है हिंदू वीर जिहड़े पंजाब दे ने उह तहिया कर लैण भी दिल्ली वाला साडा मित्र नहीं हो सकता दिल्ली वाले नूं तुसीं वी उन्ने बुरे लगदे जिन्ने असीं लगदे आ उह वक्खरी गल है भी पहलां साडा खुरा खोज मिटाउणगे फिर तुहाडे वल सिद्धे आउणगे उहनां दी बाणी तुहाडे नाल नहीं बोली तुसीं पंजाबी बोलदे जो बोली जे रोणा ते असीं पंजाबी च रोणा है जे हसणा पंजाबी च हसणा जे बैण पौणे पै गए ते पंजाबी च पौणे आ ते क्यों असीं जदों कोई लिखाउण दा मौका हुंदा अपनी हिंदी बोली लिखाउणे इतने रहे हैं सदियों तो इतने रहना है महाराज रणजीत सिंह दी राज स्पीकर एग्जाम्पल दे के गया इतने उदाहरण दे के गया उन्हें राज दे विच मंदिर बनाए मसीता बनाई है तो फिर हुण कदा खतरा है मैनू एक बंदे ने कहा सी भी भाई हिंदुओं की आबादी पंजाब दे विच 40-45 फीसद है तो सिखां दी आबादी वधूगी तो सिखां ते हिंदू किवें यकीन करन घट गिणती बन जाएंगे तो मैं अगर सवाल किया जे 40% हो के साढ़े तो यकीन नहीं असं 2% होके हिंदुस्तान के नाल करिए फिर सो इस करके एक गुलामी जी है बड़ी प्रतख होगी तो अगे नहीं जानी कुछ ये तो अगे तो हमने धीं भैन की बेपति कर चुके हैं नवी पीढ़ी ने शायद ना वेखी हो जो दोहरे वेखनी है तो फिर कोई नहीं हथ हथ करके बैठे रहो तो जे नहीं वेखनी फिर तैयारी करो तैयारी की करनी है तैयारी की पहला यह करनी है भी जिन्होंने तो मुंह सिर मनाए हैं वो चाहते हैं भी मुंह सिर मना के तुरे फिर पता ना लगो तुम कि जवाक जो नसल कुशी की सब तो वड्डी निशानी है भी जे पुत का चेहरा प्यो ना नहीं मिलता ते पुत्र दा दादे नाल नहीं पोतरे दा जे बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा ते इह तों वड्डी नसल कुशी की हो सकती है किसी शेर दा पुत हिरनी वर्गा लगे ते तुहानूं कोई कहे भी शेर दा बच्चा है मन्नोगे तुसीं सो तुहाडियां शकलां वेख के लगदा भी तुसीं कोई जंग लड़ सकदे हो तुहाडियां शकलां वेख के साडियां वेख के उहनूं ऐ लगदा भी इहनां दे चार चपेड़ां मार के जिथे मर्जी बिठा लो ते जे आनंदपुर घरे वड़िए तैयार बर तैयार होइए शस्त्र धारी होइए गुरबाणी दे धारनी होइए ते भजन पढ़िए।